नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर। मई तक का मैंने अपडेट कर रखा था, इसमें जून जुलाई अगस्त तक का करंट अफेयर करेंगे। तीन महीने के हैं, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर्स पे जो है कॉल करके, एक और नंबर है 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं आप, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कॉल करके पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का कंप्लीट पेड ग्रुप भी चल रहा है और उसकी टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप चल रहा है। यूपी पीसीएस के कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप चल रहा है, एमपी पीसीएस का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, बीपीएससी का कंप्लीट पेड ग्रुप भी चल रहा है और टेस्ट सीरीज भी। चलो इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो यहाँ पे आप देखेंगे, ये स्टबल बर्निंग होती है ना, हर बार जब मतलब सीजन हो जाता है तो उसके बाद जो वो बचा हुआ होता है उसको जला देते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि इसमें बहुत पॉल्यूशन हो जाता है दिल्ली के आसपास वाले एरिया में, प्लस जो वेस्टर्न यूपी है, प्लस हरियाणा में। यहाँ पे तो उसके लिए एक स्कीम कर दी गई है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक स्कीम ये लॉन्च की है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसका पूरा नाम क्या है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड दिल्ली। ठीक है, इसको आप बढ़ा करके भी ऐसे देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कुल मिला के बात यह है कि इसमें 2018 में गिरावट दर्ज की गई है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पराली। तो पराली जलाने की जो घटनाएं हैं उसमें बहुत कमी आई है, और इसमें ICAR के अनुसार 2016 के अगर वर्ष की तुलना में अगर कंपेयर करेंगे तो 2017 में और 18 में बहुत ज़्यादा कमी आई। 2017 में 15% की कमी आई, 2018 में 41% की कमी आई। कमी क्यों आई, क्योंकि सरकार ने इसके लिए बहुत सारे यहाँ पे उपयुक्त कदम उठाए, एक इम्पॉर्टेंट स्कीम लॉन्च करी है ताकि इसको मैनेज करा जा सके। जो क्रॉप रेसिड्यू बचता है, जो भी कूड़ा करकट बचता है, उसके लिए एक अलग से जो है यहाँ पे स्कीम चला दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्कीम है किस चीज़ के लिए है, पंजाब में 4,500 से ज़्यादा जो गांव हैं पराली जलाने से मुक्त कर दिए गए हैं, प्लस यहाँ पे एक भी घटना नहीं हुई जहाँ पे पराली जलाया जाए। और यहाँ पे कुल मिला के ये एक स्कीम जो है ये कर रही है यहाँ पे इसको। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, ICAR कर रहा है। इसमें क्या है, कृषि विज्ञान जो केंद्र है उनके माध्यम से योजना को लागू करवाया जा रहा है ये। ठीक है, पराली जलाने से वही है, बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो जाता था, धुआं बिल्कुल हो जाता था, सॉइल इरोजन अलग हो जाता था, बहुत सारी हेल्थ समस्याएं हो जाती थी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ें अब देखिए, ये स्कीम जरूर याद रखिएगा, मेंस में भी लिखने के काम आ सकती है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड दिल्ली। ठीक है, इसमें एरिया क्या कवरेज किया गया है, जो भी इसके आसपास एरिया है जहाँ जहाँ भी जलाई जाती थी। और इसमें कुल मिला के क्या है कि यहाँ पे आप इंसेंटिव भी दे रहे हैं, फंड भी दिया गया है, 500 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। एक हैप्पी सीडर है, हैप्पी सीडर क्या करता है कि जो ये एक प्रकार की मशीन होती है जो फसल के अवशेषों को उनकी जड़ समेत उखाड़ फेंकती है, ठीक है, वही इसमें प्रमोट कर रहे हैं। तो हैप्पी सीडर क्या है, हैप्पी सीडर जरूर याद रखिएगा, एक ट्रक माउंटेड डिवाइस है जिसकी कैपेबिलिटी किस चीज़ की है कि जो एक क्रॉप है उसको कट कर देता है और जो है वहाँ पे नई क्रॉप भी लगा देता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है हैप्पी सीडर की, ठीक है, इसीलिए इसको जो है ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। अब देखिए ये सब कीवर्ड हैं, मेंस वाले लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें मेंस में ये सब जो है आपको हैप्पी सीडर यूज करना है, ठीक है, जब आप यूपी पीसीएस का मेंस लिख रहे होंगे, जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी वाला यूज़ करना है, ये दो तीन कीवर्ड हो गए। और इसमें कितना, ये कितनी जगह में कर लिया गया, 800,000 हेक्टेयर जो है नॉर्थ वेस्ट स्टेट है उसमें इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए किसान जो है वो इंडिविजुअल अपना अगर मैनेजमेंट करना चाहे, उसके लिए मशीन के लिए 50% वो सरकार देगी, ठीक है। और अगर कोई वहाँ पे जो है एक पूरा इस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाए, कोई एक सेंटर टाइप का बना दिया जाए, तो वहाँ पे 80% जो प्रोडक्ट कॉस्ट होगी वो सरकार देगी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे डेटा के हिसाब से बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आई है, 41% तक की गिरावट आ गई, बहुत अच्छी बात है ये। इसमें 4,500 से ज़्यादा जो पंजाब और हरियाणा के गाँव हैं उनको जीरो स्टबल बर्निंग यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया गया है, और फंड यहाँ पे रिलीज़ किया गया था इन सीटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, ICAR, वही सब चीज़ें मैंने हिंदी में भी लिखी थी, यहाँ पे लिखा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पहली न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं यहाँ पे कि और भी सेपरेट फंड एलोकेट किए गए हैं ये सरकार को, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको, कि क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट और अच्छे से किया जा सके। तो वही सब चीज़ें हैं इसमें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ये इंपॉर्टेंट है, 11वां डिफेंस एक्सपो। पहली बात तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भैया ये कहाँ हुआ था,
तो 11वां डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, ठीक है। ये हर एक दो दो साल में होता है, बाइनियल मतलब कि हर दूसरे साल होता है ये। 4 दिन का ये फेस्टिवल था, 5 से 8 ये फरवरी तक चला है ये कुल मिला के। फिर नेक्स्ट इसमें क्या पूछा जा सकता है कि इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इसका फोकस क्या था? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो ये वाला इसका फोकस था, 11वां डिफेंस एक्सपो, ये जरूर याद रखेगा, लखनऊ में हुआ था। वो बात वही होती है जब डिफेंस एक्सपो क्या है, मतलब क्या इसके वहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि अपने इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा प्रमोट करना, और ज़्यादा मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना, और ज़्यादा जो है यहाँ पे डिफेंस की क्षमताओं को बढ़ाना, वही सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट के ये जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, तो एक यूनिक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें OEM जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर होते हैं वो सब मिल सकते हैं, और प्लस इंडस्ट्री के जो लेटेस्ट इनोवेशन देखे जा सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी है कि मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव्स को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है। यहाँ पे विजिटर हर जगह के लोग आए हैं, मिनिस्ट्रियल जो थे फॉरेन कंट्री से, कई सारे मंत्री वंत्री आए थे यहाँ पे, और प्लस देख रहे थे कि इंडिया का कैसे कैसे इंडिया जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। B2B और G2G, मतलब B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी इंडिया से दूसरी कंट्रीज, ठीक है। ये यहाँ पे फोकस था। सिग्निफिकेंस यही है कि बस यहाँ पे को डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए, प्लस बहुत सारी चीज़ें जो है आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। यूपी को जो है एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन दिखाया जा सकता है डिफेंस सेक्टर के लिए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, डिफेंस के लिए याद आया तो एक ये चीज़ भी है कि इंडिया के 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, एक यूपी में होगा ये जरूर याद रखिएगा, और दूसरा वाला जो प्रपोज्ड है वो तमिलनाडु में है। डिफेंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में क्या क्या है? 4 यूनिट HAL की हैं, लखनऊ, कानपुर, कोरबा, नैनी में। 9 ऑर्डनेंस फैक्ट्री हैं आपकी, कानपुर, कोरबा, शाहजहाँपुर, फिरोजाबाद में, और जो है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की भी फैक्ट्री है ये गाजियाबाद में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यूपी में हैं, ये आप इसमें, और यूपी की एक डिफेंस पॉलिसी भी आई थी, और यूपी की कई सारी पॉलिसी, उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा मेंस के लिए। मैं मेंस के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें लाने वाला हूँ। यूपी GK का भी वीडियो पे काम चल रहा है, बहुत जल्द मिलेगा आपको। लोअर पीसेस का अब तो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया, जल्दी मिल जाएगा। और यूपी का मेंस के लिए भी जो है GK, वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट इसमें है हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया, नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स 2019 था। अब देखिए ये है, ये पूछा जा सकता है कि हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया ये किसने जो है रिलीज़ की है, किसने रिलीज़ की है? नीति आयोग ने रिलीज़ की है, ठीक है। ये इसका सेकेंड एडिशन था, 2018 में पहला एडिशन आया था। रिपोर्ट इसने किसके साथ मिलकर बनाई है? ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर, प्लस यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट लिया गया है वर्ल्ड बैंक का, यही सब चीज़ें यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई हैं। इसका टाइटल क्या था? हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट ऑन रैंक ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत राज्यों की श्रेणी और संघ राज्यों राज्य क्षेत्रों पर रिपोर्ट, ठीक है। तो ये राज्यों की श्रेणी यहाँ पे नहीं, मतलब वही रैंकिंग हो गई है, ठीक। इसमें जो है ये आपका बेस ईयर यहाँ पे 2015-16 को लिया गया है, रेफरेंस ईयर 2017-18 तक है। मेन कैटेगरी 3 कैटेगरी है यहाँ पे। लार्जर स्टेट की कैटेगरी में केरला नंबर 1 पे है, सिंपल बात है। केरला है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, ठीक है। और इसमें हरियाणा और राजस्थान जो है टॉप 3 स्टेट हैं। एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूव किया है, ठीक है। यूपी बिहार ऑब्वियस सी बात है बॉटम पे ही है, सबसे बॉटम पे अपना यूपी, बहुत ही जो है बड़ी जो है गंदी बात है ये, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यूपी सबसे लास्ट में इस लिस्ट में, पता नहीं योगी जी क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें स्मॉलर स्टेट जो हैं, छोटे स्टेट हैं, वैसे योगी जी तो अभी हैं, ये इनका तो रैंकिंग तो पिछले वाले बेस पे लिया गया है। स्मॉलर स्टेट में देखेंगे तो मिजोरम नंबर 1 पे है ओवरऑल परफॉर्मेंस में, और त्रिपुरा है इसके बाद, उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बिगेस्ट डिक्रीज देखा गया है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ नंबर 1 पे है ओवरऑल परफॉर्मेंस में, और इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ने बोला है कि में 5 स्टेट हैं, नेमली कौन कौन से हैं ये? बिहार, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, जहाँ पर डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, डिक्लाइन हुआ है। इंडिकेटर क्या क्या थे? बहुत सारे इंडिकेटर थे, जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट था जो है, लो बर्थ वेट था, सेक्स रेशियो बर्थ था, और ट्यूबरक्लोसिस, और प्लस ये सब जितने भी फैसिलिटीज़ क्या क्या टाइम होता है, यही सब जो है संकेतक थे। क्या क्या संकेतक थे आपके? TFR हो गया आपका, टोटल फर्टिलिटी रेट, जन्म के समय जो है कम वजन, और ये सब चीज़ें भाई जिसको ये लोअर बर्थ रेट, ये सब है, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है कि जो हेल्थ इंडेक्स स्कोर है वो इकोनॉमिक
डेवलपमेंट के लेवल के जो है प्रोपोर्शनल है, ये समझ लीजिए पाया गया यहाँ पे कि हेल्थ इंडेक्स स्कोर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो लेवल है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का, वो आपका पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से कैलकुलेट किया गया। कई सारे जो है स्टेट में बहुत बड़ा गैप है, ये जो टॉप परफॉर्मर हैं वो जो लो परफॉर्मर उनसे 2.5 टाइम्स बेटर किया है उन्होंने। जो कुछ स्टेट हैं जैसे केरल और तमिलनाडु, वो तो अपने 2030 वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को भी अचीव कर चुके हैं। जैसे इन्होंने नियोनेटल जो है मोर्टेलिटी रेट को 12 जो है होना चाहिए पर 1000 लाइव बर्थ में, वो इन्होंने अचीव कर लिया है। इसमें यही है कि हेल्थ समस्याएँ बहुत सारी हैं इंडिया में। अगर आप हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं, ज़्यादातर देखिए मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ मेंस के लिए भी, कि हम फोकस किस पे करते हैं, क्यूरेटिव पे, मतलब अगर हो जाता है तो हम उसको क्योर करने पे फोकस करते हैं, जबकि होना चाहिए फोकस किस पे, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे। दूसरी बात है हमारी जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है हेल्थ पे, सेंटर का सिर्फ 1.2 समथिंग परसेंट है, जबकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी बोलती है कि कम से कम इसको 2.5% होना चाहिए, और स्टेट का जो है करीबन 4% है, उसको कम से कम 8% होना चाहिए। प्लस और भी बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। अगर आप डॉक्टर्स पर जो है 1000 लोगों पे कैलकुलेट करेंगे तो 1 भी नहीं है, जो पूरी दुनिया में सबसे कम डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरी बात ये भी, जो अवेलेबल भी हैं वो अर्बन एरियाज़ में सब बैठे रहते हैं, तो ये एक चीज़ है। बहुत सारी इसमें हेल्थ वाले बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट आ सकते हैं आपके। नेक्स्ट है इसमें कि ये वही सब बताया गया कि क्या क्या मेथोडोलॉजी थी। यहाँ पे तीन इसके जो है वेटेज कॉम्पोजिट इंडेक्स बनाया गया, हेल्थ आउटकम, गवर्नेंस और की इनपुट का, ठीक है। और ये यही सब चीज़ें हैं, फिर बस इतना ही है। ये एमपी कैलाश कमलेश वाल्मीकि, इनकी डेथ हो गई थी, ये समाजवादी पार्टी के थे, इसका इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की बहुत शॉर्टेज पड़ने वाली है। कहाँ कहाँ पे होगी? बिहार, झारखंड, यूपी और राजस्थान में, ठीक है। WHO की रिपोर्ट है, फोरकास्टिंग द फ्यूचर एंड गैप्स इन रिक्वायरमेंट्स फॉर पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स इन इंडिया अप टू 2026। इसमें ये बताया गया है कि इन सब जो है स्टेट है, मतलब वही बीमारू हो गया आपका बिहार, खैर बीमारू के अलावा भी है झारखंड भी है यहाँ पे, इन सब जगह में बहुत सारे हेल्थ केयर के लोगों की ज़रूरत है। हेल्थ केयर मतलब अभी डॉक्टर नर्स सबकी, सबको मिला के, क्योंकि अगर आपको पब्लिक हेल्थ केयर को सुधारना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हेल्थ वर्क फोर्स में आता क्या क्या है ये समझ लीजिए। इंडिया में करीबन 50 लाख जो है वर्कर हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम है। ये हेल्थ वर्क फोर्स में कौन कौन आते हैं? डॉक्टर आते हैं, नर्सिंग वाले प्रोफेशनल आते हैं, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हो गए, ठीक है, फार्मासिस्ट हो गए जो है, डेंटिस्ट हो गए, पैरामेडिकल वर्कर हो गए, ग्रास रूट वर्कर हो गए, और सपोर्ट स्टाफ हो गए, ये सब चीज़ें। इस WHO ने बताया कि जो साउथ ईस्ट एशिया है इसमें करीबन 50% रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, 50% राइज होना चाहिए, तब जाके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पा पाएंगे 2030 तक। उसके लिए काफ़ी सारे प्रयास करने की ज़रूरत है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये पाया गया है यहाँ पे कि कई सारी वैकेंसी भी हैं अभी भी जो कि भरी नहीं जा रही हैं। जैसे डॉक्टर की 18% वैकेंसी है प्राइमरी हेल्थ केयर में, 38% लेबोरेटरी टेक्नीशियन की हैं, फार्मास्यूटिकल में भी 16% वैकेंसी हैं। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। भोजपुरी वोकल आर्टिस्ट पद्मश्री जो अवार्डी हैं हीरा लाल यादव की डेथ हो गई वाराणसी में, तो बस यही याद रखिएगा हीरा लाल यादव जो है किससे एसोसिएटेड थे, वोकल आर्टिस्ट भोजपुरी थे वो, और ये बिरहा शैली के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। बिरहा शैली का मतलब होता है क्या कि जब एक लवर अपने जो है चाहने वाले से बिछड़ जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध है ये बिरहा शैली। तो बिरहा शैली से संबंधित कौन है? हीरा लाल यादव, बस इतना याद रखना है। ASI ने डिक्लेयर किया है चौखंडी स्तूप को एज अ मोन्यूमेंट ऑफ ये नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। ये चौखंडी स्तूप है कहाँ पे, ये ज़रूरी है बस बात यहाँ पे, सारनाथ में है ये। इसको कंस्ट्रक्शन कब किया गया था? चौथी से 6th सेंचुरी तक, गुप्ता पीरियड में, ठीक है। इसको क्या किस लिए बनाया गया था? लाओड जो बुद्धा थे और प्लस उनके जो पहले शिष्य थे वो यहाँ पे मिले थे जब वो बोधगया से सारनाथ की तरफ जा रहे थे। तो ये है चौखंटी स्तूप। शेप इसको गोवर्धन ने दिया जो कि ये राजा तोदारमाल का लड़का था, और इसके आसपास कई सारी जो है एग्जीबिशन साइट भी पाई गई हैं, कुछ बुद्धा की प्लस दूसरे स्टैचू की भी। तो ये चौखंडी स्तूप है कहाँ, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें ये पूछा जा सकता है कि पहली बार भारत में हाथियों के लिए पानी क्लिनिक किसने खोला है, ठीक है, वाटर क्लिनिक खोलने वाला कौन स्टेट है? UP, और ये कहाँ खुला है? मथुरा में। हाइड्रोथेरेपी यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा जो हाथी जो है जॉइंट पेन या फिर फुट एलिमेंट अर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। ये एक कोलेब्रेशन है UP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और NGO का है ये, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सोर्स का।
यहाँ पे एक जम्बो हाइड्रोथेरेपी सेंटर है ये, तो बस यहाँ पे जो भी हाथी बचाए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये, कई सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, जम्बो पूल भी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे ये सब चीज़ें। यूपी गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने कई सारे जो है आपको डिसीजन यहाँ पे अप्रूव किए हैं, उसमें से जैसे ये है कि आप पेंशन हाइक कर दी गई है 400 से 500, पता नहीं 500 में भी क्या हो जाएगा, जो 60 से लेकर 79 तक, प्लस माइक्रो ब्रूवरीज को भी परमिट कर दिया है, एज लिमिट जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट की है उसको बढ़ा दी है, 37 साल कर दी है, ऑल इंडिया एम्स जो रायबरेली में आ रहा है वो 2020 तक कम्प्लीट हो जाएगा। उसके अलावा भी और कई सारे प्रपोजल हैं यहाँ पे, जैसे एक प्रपोजल है गोरखपुर जूलॉजिकल पार्क जो है बनाया जाएगा 181 करोड़ रुपये में, वही सब हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे। एक अम्ब्रेला एक्ट आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए प्री में पूछा जा सकता है कि अम्ब्रेला एक्ट ऑफ यूपी इज़ एसोसिएटेड विद, तो किस चीज़ से एसोसिएटेड है ये जो 27 यूनिवर्सिटीज़ हैं अब वो इसके अंदर में आ जाएंगी, बस इसी चीज़ से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा ज़रूर, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने फिर और भी कई सारे जो है एडुकेशनल ट्राइब्यूनल के लिए जो है फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे गो हेड दे दिया है, 6.5 करोड़ रुपए का यहाँ पे बनाया जाएगा, 6.15 करोड़ का, प्लस यहाँ पे जो है एक बिल्डिंग बनाई जाएगी जो कि महंत अवैधनाथ के नाम पे होगी गोरखपुर में। अच्छा एक चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया है, अभी 4 रिकॉर्ड बनाया है एक्चुअली, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश ने एक ड्राइव चलाया था वृक्षारोपण महाकुंभ, उसमें 4 रिकॉर्ड बनाए जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जो है दर्ज हो गए। ये 4 रिकॉर्ड रट लीजिए, ये UP SSSC UP PCS UPP में जरूर पूछे जाएंगे। पहला क्या है कि इन्होंने भैया क्या किया है कि 76,000 कम से कम जो है 76,000 पौधे एक साथ वितरित किए, पहला रिकॉर्ड ये है, ठीक है, और ये 9 से लेकर 10 तक किया था, तो पहला रिकॉर्ड ये है, ठीक। तो मतलब इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब टोटल मिला के 4 रिकॉर्ड हैं ये, आप देख लीजिए कि इसमें क्या है कि आप पहला रिकॉर्ड क्या है कि 5 करोड़ सैपलिंग 1 घंटे में 9 से 10 बजे तक बनाए, दूसरा रिकॉर्ड क्या है 1.1 लाख जो है सैपलिंग्स या फिर जो है आपका ये पौधे कासगंज में ये प्लांट करे गए हैं, ठीक है। तीसरा रिकॉर्ड क्या है कि प्रयागराज में एक निश्चित सीमा में एक ही स्थान पर 66,000 सैपलिंग यहाँ पे लगाई गई हैं, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में ही, ठीक है, जो पहले इलाहाबाद था प्रयागराज है। और सबसे इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड क्या है, एक दिन में 22 करोड़ पौधा लगाने का ये रिकॉर्ड बनाया, यही सबसे मेन है, 4 रिकॉर्ड बनाए टोटल मिला के, ठीक है। 2020 में उन्होंने बोला इसको भी तोड़ देंगे, 25 करोड़ लगाएंगे पौधे, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और वृक्षारोपण जो महाकुंभ यहाँ पे आयोजन किया गया था, इसमें स्टार्ट कहाँ से हुआ था, लखनऊ के जैती खेड़ा क्षेत्र में हुआ था, क्या क्या लगा के हरी शंकरी, ठीक है, हरी शंकरी यहाँ पे लगाया गया था, और ये जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे हरी शंकरी प्लांट किया गया था, जो कि 3 ये सैक्रेड जो ट्रीज़ हैं जो पवित्र पौधे हैं उनका ये कॉम्बिनेशन है, ये पीपल पकर और बनियान का, जाती खेड़ा में स्टार्ट किया गया था। और इसमें जो है बोला योगी आदित्यनाथ जी ने कि गांधी उद्यान भी बनाए जाएंगे गांधी जी के नाम पे, उनके से रिलेटेड जो भी लिटरेचर होगी वो भी वहाँ पे मेंशन करी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने सहजन यानी कि ड्रम स्टिक 5 ग्रामीण महिलाओं को दी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कुछ। उसके बाद ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंदर में अगर आप देखेंगे तो करीबन 7 करोड़ 32 लाख फैमिली को यहाँ पे पहली 2 इंस्टॉलमेंट दे दी गई हैं, और उसमें जो है सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं, वो ऑब्वियस सी बात है यूपी के ही लोग हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रधानमंत्री भी किसान सम्मान योजना जो किसान निधि योजना बनाई थी ना, उसकी 2 किस्तों में नंबर 1 पे यूपी है, नंबर 2 पे आपका आंध्र प्रदेश है, फिर हरियाणा है, ठीक है। तो ये है, और इसमें ये है क्या इनिशिएटिव, ये वही है जो जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन होगी उनको 6,000 रुपये पर ईयर मिलेगा, और वो भी मिनिमम इनकम सपोर्ट में 6,000 रुपये मिलेगा, वो भी किस्तों में मिलेगा। 1 दिसंबर 2018 से ये इफेक्टिव था, और 2019-20 के लिए इसका एलोकेशन कितना है, 75,000 करोड़ रुपये। उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है किस चीज़ में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में ने टोटल मिला के 1.95 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस कवर दिया गया था, ये 12 रुपये में जो नहीं दिया गया था, प्रधानमंत्री आपका सुरक्षा बीमा योजना था, और एक और था ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति वाला, वो करीबन 350 में था, ये 12 रुपये वाला है। इसमें क्या एक्सीडेंटल क्लेम भी दिया गया है 18 से 70 साल के लोगों को 2 लाख रुपये तक, 12 रुपये प्रीमियम एनुअल देने पर, ठीक है। ये सारी फ्लैगशिप स्कीम थी, काफ़ी पहले करी गई थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना हो गया, ये सब चीज़। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि CM हेल्पलाइन 1076 को यहाँ पे यूपी में स्टार्ट कर दिया गया है,
इसमें कोई भी समस्या हो किसी को भी, कभी भी आप जो है 1076 पे मुख्यमंत्री से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने गलत की तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी और इसमें सारी शिकायतें सुनी जाएंगी, सारे का जो है आपको तब तक फीडबैक मांगा जाएगा जब तक आप बोल नहीं देंगे कि हाँ ये हम सेटिस्फाइड हो गए हैं। 100 इसमें से जो शिकायतें होंगी उसमें योगी आदित्यनाथ जी भी उसको सिलेक्ट करके उनसे पूछेंगे, रिव्यू करेंगे खुद कि आपने मतलब हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड शिकायत होगी उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, 3-4 दिन के अंदर एक्शन लेना पड़ेगा, वरना जो है यहाँ पे CM कार्रवाई करेंगे। और ये शिकायतें दर्ज कराने के साथ साथ ये भी जो है आपको अपडेट भी मिलेगा मतलब, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1076 ये जरूर नंबर याद रखिएगा, नंबर ही पूछ सकते हैं डायरेक्टली। 500 लोग हैं यहाँ पे और उनमें हर समय जो है 24 घंटे शिकायत सुनी जाएगी, कई सारी शिकायतें एक साथ सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे इंडिया की गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि $5 trillion इकोनॉमी हमको बनना है, तो यूपी गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री ने बोला है कि जैसे अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है करीबन 130 करोड़ है और यूपी में करीबन 22-23 करोड़ है, तो वैसे अगर आप ये हिसाब लगाओगे मेरे हिसाब से तो 1/6 हुई यूपी की टोटल इंडिया की जो पॉपुलेशन है। योगी जी ने बोला है कि 1/5 हम मानते हैं और जो है हमको भी $1 trillion इकोनॉमी बनना है अगले 3 सालों में, हालांकि बहुत ही जो है इम्पॉसिबल लक्ष्य है क्योंकि इस समय यूपी की कितनी है 14.5 लाख करोड़, इसको मतलब आप समझ रहे हैं 7 गुना बढ़ा देंगे, ऐसा तो पॉसिबल लग नहीं रहा है किसी भी तरह से। एग्रीकल्चर को एक बड़ा रोल निभाना पड़ेगा और कई सारी यूपी की गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे 1 district 1 product वाली स्कीम काफ़ी अच्छी चल रही है, उसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट इसीलिए प्रमोट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। एक नस्ल सुधार है जिसे जीनेटिक इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं जितनी भी जो कैटल हैं ताकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ सके, ये सारी चीज़ें जो है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सब इनको यहाँ पे मिल रहा है, इससे लाभ मिल रहा है। फिर नेक्स्ट है इसमें कि ये पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन है, तो वो है यूपी अपना, ठीक है। यूपी है, यकीन नहीं होगा आपको लेकिन है ऐसा, सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन है यूपी में, करीबन 1,54,54 लाख हैं, महाराष्ट्र में उसके बाद हैं, और टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो 10.5 करोड़ लोग जो है इंडिया में सीनियर सिटीजन है, ठीक है। एक इनके लिए स्कीम भी है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना सीनियर सिटीजन के लिए, जिसमें जो है एज रिलेटेड जो डिसेबिलिटी होती है BPL फैमिलीज़ को, उसमें यहाँ पे डिवाइस दे दिए जाते हैं 60 साल से ऊपर। अच्छा एक बात बताइए कि एडोलेसेंट की एज क्या होती है इंडिया में, यूथ की एज क्या होती है इंडिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये देगा उसका कमेंट पूरा पिंट कर दिया जाएगा टॉप में ताकि सब लोग देखें। सीनियर सिटीजन की एज क्या होती है इंडिया में और सुपर सीनियर सिटीजन की एज क्या होती है, ये चारों एज आपको रट्टी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश जो है अब लॉर्ड राम यानी कि राम भगवान का अयोध्या में सबसे बड़ा स्टैचू करेंगे, जो कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी उससे भी बड़ा होगा, वो 182 मीटर का है, ये 251 मीटर का बना रहे हैं, सरयू नदी के किनारे जो है अयोध्या में 100 हेक्टेयर की ज़मीन में बना रहे हैं। और इसके लिए जो है यहाँ पे मेमोरेंडम भी साइन हो गया है IIT कानपुर और नीरी का भी, ठीक है। बहुत बड़ा बनेगा ये, मतलब कुल मिला के एक यूनिट भी बनाई जाएगी राजकीय निर्माण निगम की, और प्लस यहाँ पे डिजिटल म्यूजियम भी बनाया जाएगा। अभी एक छोटा सा 7 फुट का ये स्टैचू राम जी का भी यहाँ पे कर दिया गया, यहाँ पे अनवील कर दिया गया, मतलब स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर ये मोदी जी गए थे, उनके जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं इतना मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्री प्लांटेशन कवर किया है, प्लस वहाँ पे जो है एक लाल बहादुर शास्त्री जी का स्टैचू को अनवील किया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है, बस इतना ही है यहाँ पे। और ये इंडिया जो है अब ये होस्ट करने जा रहा है UNCCD का जो है COP 14, तो ये आप याद रखिएगा COP 14 ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये 2 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक होगा, कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में होगा, इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बस यही है, ये है लास्ट। और इससे पहले वाले में मैंने मई तक बता दी थी, आप उसको देख लीजिएगा, एक वीडियो मैं दूंगा, उसमें क्या करूंगा, उसमें मैं लोअर पीसेस के लिए अभी दूंगा, उसमें क्या करूंगा यूपी करंट अफेयर, ठीक है, यूपी बजट, ये जोड़ के दे दूंगा ताकि आप लोग वो वाला जो टोटल करंट अफेयर वाला है वो सब देख लें। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। आप अगर यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा पूरा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ वाला पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। UP SSC की तैयारी कर रहे हैं तो भी पूरा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ वाला पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस का भी हमारा 2018 का ग्रुप चल रहा है। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।